हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश आईक्यू। मैं हूं सुशांत सिंह। तो गाइस हमारे गेम के अंदर आ चुके हैं बहुत ही शानदार सा आर्मी रॉयल घोस्ट। हालांकि उसका दिन खत्म होने वाली है। सो गाइस आज हम उसका भी अटैक देंगे। एंड गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी दबा देना। सो गाइस लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो। ओके गाइस तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बहुत ही दिनों के बाद हम आ चुके हैं अपना वीडियो लेकर टाउनर 14 के ऊपर। हम भी नए नए टाउनर 14 है एंड भाई साहब ये तो बहुत ही नए टाउनर 15 है। एंड भाई साहब देखिए लूट मास्टर 3 के ऊपर, सॉरी ये मास्टर चैम्पियन 3। ओके यहाँ पर हमारी आर्मी है सुपर बॉलर स्मैश, आप सभी को सुपर बॉलर एंड हीलर के साथ दिखाऊंगा मैं आप सभी को कि कैसा करता है। हालांकि भाई साहब ये तो हमारे इजी होना चाहिए क्योंकि इसके डिफेंसेस बहुत ही रस है। टाउनर 10 की लेवल की है भाई साहब ये डिफेंसेस, टाउनर 10 की लेवल की डिफेंसेस हमारी आगे आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया नूब बेस पर लूट बहुत ही ओपी बोलते भाई साहब। ऐसे लूट को कौन इग्नोर करके जा सकता है बोलो भाई साहब। यहाँ पर हमारे बुड्ढा बहुत ही धीरे धीरे से अपनी छड़ी हिलाते हुए बुड्ढा के ऊपर हम रेज वेस्ट नहीं करेंगे। ओके बूटा घूम जा सिम। ओके अब चलेंगे यहाँ से एक आइस गोलू वॉल ब्रेकर एक बेबी ट्रैक किंग क्वीन आएंगे पीछे से सारी बोलर्स। अरे बूटा इधर आ, अरे यार बूटा किधर। ओके आ गए यहाँ पर एक जंप एक देना पड़ेगा रेज। ओके 800 ओके किंग की एबिलिटी वार्डन की एबिलिटी गई। ओके और एक रेज एंड यहाँ से छोड़ना पड़ेगा एक ही तो होता है हमारे आरसी। एंड यहाँ पर फ्लेम फिंचर फट चुकी है एंड फ्लेम फिंचर से निकल चुकी है मैक्स हॉक राइडर। एंड देखिए भाई सब बॉलर कैसा ही बढ़िया बॉलिंग करती हुई सुपर बॉलर ओपी बोलते ओपी इन द चैट सुपर बॉलर। ओके कोई बात नहीं मैं आप सभी को सुपर बॉलर की अटैक थोड़ी सी अच्छे से बेस पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर है वही नॉर्मल क्लैन वॉर खेलते रहते हैं, हम कोई भी कंपटीशन नहीं खेलते। तो गाइस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक्स करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड गाइस जाना मत और भी कुछ अटैक्स। ओके अगेन गाइस वी आर बैक इन अवर टाउनर 14 एंड भाई साहब देखिए रॉयल घोस्ट हमें दिवाली के फेस्टिवल के ये ऑफर दिए है सुपर सेल ने। एंड भाई साहब देखिए हमें जायंट स्केलेटन भी मिल चुकी है एंड यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया इवेंट भी आ चुका था। आई होप कि आप सभी ने इवेंट कंप्लीट किए हो। एंड गाइस यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ अच्छा सा लूट मिल जा रे। कम ऑन टर्न द रेडियो ऑन। नहीं थोड़ी सी ज़्यादा लूटेंगे करीब करीब 10 लाख तो होना चाहिए भाई साहब लूट 1 मिलियन के आसपास चाहिए हमें लूट रे बेटा दे तो। ओ हो भाई साहब देखिए मल्टी है 3 मल्टी एंड इसका वो डाउन है क्या बोलते हैं उसे अरे टाउनर। ओके यहाँ पर हमने चालू कर दिया अपना रॉयल घोस्ट
धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे रॉयल घोस्ट को। सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होगा कि हमें वो ऊर्जा टावर एंड मल्टी इन्फर्नो एक स्कैटर मिल जाए। ओके यहाँ पर ऊर्जा टावर तो फाइनली हमें मिल चुकी है, आगे सॉरी ऊपर की साइड पर है क्या एक नहीं। ओके क्वीन भी टेक्टन हो गई है, तीन मल्टी है भाई साहब, मल्टी को कैसे मैं निकालू। ओके हमारे पास दो एस डिस्प्ले। ओके बहुत ही दिनों के बाद अटैक कर रहा हूँ ना भाई साहब, भूल गया था भाई साहब मेरे पास स्पेल कॉम्बिनेशन क्या क्या है, देखा भी नहीं था। ओके तो यहाँ पर हमने एक डाल दिया है वो रॉयल घोस्ट को, एंड वहीं पर डालेंगे हम एक हेस्ट स्पेल सो डेट कि जल्दी से जल्दी रॉयल घोस्ट ट्रैवल करके चले जाए मल्टी तक, कम से कम हमें वो एक मल्टी तो मिल जाए रॉयल क्लॉक की तरफ की तरफ की उस तरफ की मल्टी को मिलना तो पड़ेगा। यहाँ पर चालू करेंगे हम थोड़ी सी ईगल को भटकाने की कोशिश, एंड भाई साहब अब देना पड़ेगा अपना भाई साहब, बहुत ही ज़ोरों की खांसी हुई है, सर्दी लगी हुई है तो आवाज़ कुछ आप सभी लोगों को अच्छी नहीं सुनाई दे रही होगी, फिर भी भाई साहब समझ लेना दिवाली का ये असर है ना भाई साहब। कम ऑन रॉयल घोस्ट, अभी तक रॉयल घोस्ट ने टेक्टर नहीं की है मल्टी को, कमॉन रॉयल घोस्ट वो भी उधर ही चला गया। ठीक है भाई साहब क्वीन की एबिलिटी भी चली गई, एक हॉकराइडर पहुंच चुकी है। ओके फाइनली एक रॉयल घोस्ट आ रहा है। ओके बैट स्पैम किधर से चालू करूँ, ओके यहाँ पर एक फ्रीज, फिर एक देना पड़ेगा फ्रीज। ओके आरसी के एबिलिटी से बहुत ही बढ़िया हुआ। अरे भाई साहब ये देखिए मुझे लगता है ये हो गया। ओके फ्रीज स्वैग हो गई, फ्रीज स्वैग हो। ओके बहुत ही बढ़िया टकरा भाई साहब रॉयल घोस्ट के साथ। तो भाई साहब पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस अब देखेंगे नेक्स्ट अटैक। ओके गाइस तो हम यहाँ पर है अपना टर्नर 12 के ऊपर, तो यहाँ पर देखेंगे वार रिजल्ट। ठीक है भाई साहब हालांकि हम ये वार जीत चुके हैं काफ़ी बढ़िया स्कोर के साथ। एंड गाइस देखिए इस वाले न्यू टर्नर 12 के ऊपर मैंने किया था अपना न्यू टर्नर 12 से अटैक। देखिए भाई साहब मेरा किंग क्वीन भी 50, 52 एंड 20 के ही है, सारे के सारे हीरोज उतना मैक्स नहीं है, टर्नर 11 के ही लेवल के कह सकते हो। एंड गाइस मैं भूल गया था भाई साहब, देखिए हाइब्रिड आर्मी लेके आया था मैं बहुत ही जल्दी में था, एंड मैं लेके आया था 4 फ्रीज स्पेल एंड 1 वो क्या बोलते हैं इनविजिबल। भाई साहब जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था भाई साहब, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हीलिंग स्पेल एंड वार्डन एबिलिटी सारी की सारी यूज करने के बाद भी हमारी अटैक अटक जाती है, तो भाई साहब मैं बहुत ही घबरा गया था। एंड कैसे देखिए आगे कैसे मैंने थ्री स्टार किया कि कैसे मैंने अपना स्ट्रेटजी को यूज़ किया। एंड गाइस देखिए यहाँ पर हमारी क्वीन पूरी की पूरी भटक चुकी थी, एंड फाइनली मैंने अपना सीज बैरक एंड किंग को डिप्लॉय कर दिया करीब करीब 3 o'clock की तरफ से चालू कर दिया, वहीं से अपना हाइब्रिड अटैक पीछे से आएगी वार्डन एंड क्वीन के ऊपर एक मैंने रेस्ट दिया सो डैट कि जल्दी से जल्दी अपना एनिमी किंग को मार दें एंड जल्दी से जल्दी ईगल को भी टेक डाउन कर ले। एंड ईगल के ऊपर एक फ्रीज दिया मैंने, फिर भी लग गई थी हमें एक डैमेज। एंड गाइस यहाँ पर एक अगेन मैंने फ्रीज दी, एंड यहाँ पर दिया मैंने
और इनकी एबिलिटी, क्योंकि वहीं पर था दो दो जाइन बम एंड दो दो जाइन बम के ऊपर हॉक राइडर को सर्वाइव करना थोड़ी मुश्किल पड़ती थी। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब ये हमारे पास एक रेज एंड एक फ्रीज बची हुई है। रेज को हमने यूज़ कर दिया अपना मेन आर्मी के ऊपर, क्वीन के ऊपर में हमने रेज नहीं यूज़ किया क्योंकि उतना हाई डैमेज क्वीन के ऊपर नहीं था। तो गाइस फाइनली देखिए क्वीन मरते मरते बच गई थी, एक सेकेंड लेट हो जाती तो क्वीन का यहाँ मरना तय था। एंड क्वीन की एबिलिटी भी मैंने यहाँ पर यूज़ करके समय को मद्देनजर करते हुए एक फ्रीज स्वाइप करते हुए मैंने यहाँ पर हैबिट आर्मी के साथ सिर्फ रेज स्पेल के साथ एंड फ्रीज स्पेल के साथ किया था 3 स्टार वार के ऊपर रैंडम अटैक। बहुत ही नेक टू नेक कंपटीशन था भाई साहब, ये बहुत ही नेक टू नेक अटैक था। यहाँ पर देखिए टाइम बहुत ही कम था, फिर भी मरते 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 क्वीन नहीं होती तो ये अटैक अटक जाती। तो गाइस ऐसा भी होता है कुछ गेम के अंदर। एंड गाइस पसंद आए तो लाइक कर देना। तो गाइस हम हैं यहाँ पर अपना डेथ वैली क्लैन के ऊपर, एनिमी लोग हमें बहुत ही धो रहा है। तो आइए देखते हैं कुछ स्कॉट करते हैं बेस को। एंड गाइस यहाँ पर है अपना हम अपना टाउनर 14 के ऊपर, एंड इसके ऊपर हम करेंगे टाउनर 14 से हाइब्रिड आर्मी के साथ अटैक। हम भी टाउनर 14 नए हैं एंड ये भी टाउनर 14 नए हैं, इसका थोड़ी सी वाल रस है, मेरा वाल रस नहीं है भाई साहब। फिर भी हमें क्या भाई साहब, हम तो नॉर्मल वार खेलते हैं, हमें क्या करें, हमें तो सिर्फ 3 स्टार करना है। एंड यहाँ पर देखेंगे क्वीन किधर साथ जाएगी। ओके ऊपर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, बहुत ही अच्छा। लेफ्ट की तरफ जाता तो क्या ही हो सकता था भाई साहब, कुछ भी नहीं हो सकता। एंड यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट सुपर वॉल ब्रेकर की कमाल देखिए भाई साहब, दो दो कंपार्टमेंट को खोल दिया एक ही वॉल ब्रेकर ने। ओके गाइस यहाँ पर ब्लैक माइन वगैरह ट्रिगर कर दे, कोको लून ओके काम कर दिया। अरे बहुत ही ओपी ओपी, देखा भाई साहब अपने ट्रूप्स को कैसे काम पर लाना है, वो आपकी जिम्मेवारी है, वो सुपर सेल की जिम्मेवारी नहीं भाई साहब। तो यहाँ पर क्वीन नीचे की तरफ भटकती हुई एंड उसको हम भेजेंगे अंदर की तरफ एक येति को डालकर। एंड अब तो क्वीन अंदर ही जाएगा। एंड यहाँ पर हम चालू किधर से करूँ, यहाँ पर एक अर्ली पॉइजन सो डैट की हेड अंडर हमारे क्वीन की हेड को तकलीफ ना दे। एंड भाई साहब यहाँ पर देखिए हमने लगभग 3 o'clock चालू कर दी है अपना सीज बेरिक एंड किंग को, एंड वहीं से हमने चालू कर दिया है अपना हाइब्रिड आर्मी को। एंड यहाँ पर बम टावर के सामने देंगे एक हीलिंग स्पेल, अर्ली हीलिंग स्पेल सो डैट कि हमारे आर्मी को ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्वीन की एबिलिटी जाने वाली है, क्या करूँ भाई साहब, रेज किधर दबा दूँ, क्वीन की एबिलिटी दबा दूँ क्या। यहाँ पर एक फ्रिज स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड यहाँ पर एक हीलिंग स्पेल। ओके भाई साहब सब्सक्राइब कर देना। ओके यहाँ पर एक वार्डन की एबिलिटी, ओ परफेक्ट एबिलिटी, क्वीन की एबिलिटी चली गई। आर सी अभी तक नहीं आई थी, अब आ गई है आर सी भी मैदान के ऊपर। रस बेस देखकर कुछ ज़्यादा ही हमने हल्के में ले लिया था इस बेस के ऊपर, अब ये बेस हमारी पुंगी ना बजा दे। सिर्फ एक ही बची हुई है हमारे ऊपर फ्रीज स्पेल एंड यहाँ पर आरसी की एबिलिटी, ओ हो ओपी एबिलिटी एबिलिटी सॉरी गाइस, तरह जीप फिसल जाती है भाई साहब। ओके ये तो हमारी हो गई है 3 स्टार, बहुत ही मुश्किल हुई भाई साहब, हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई साहब, किसी को नहीं लेने का, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने का, अपना प्रो आर्मी से अटैक करने का 3 स्टार करने का। तो गाइस अब देखेंगे अपना नेक्स्ट अटैक, लेट्स गो। ओके यहाँ पर है
क्या है? ओह भाई साहब अटैक कर रहा है, सीधे अटैक कर रहा है एनिमी तरफ की नहीं। ओह हो भाई साहब हमारी नेट अटक गई, नहीं किसकी अटक गई, ये थी सुपर आर्चर ओपी बोलती, ऐसे आर्मी को कैसे खेलती है भाई साहब, मुझे तो नहीं आता। किंग डाल दिया, सीज बेरेक को भी डाल दिया, गोलेम डाल दिया, आइस गोलू सारी सारी ये थी डाल दी, ओहो हो सुपर आर्चर को भी डाल दिया, क्वीन किधर है, क्वीन को भी डाल दिया, ओके ओके अब डाल दिया, नहीं आरसी डाल दिया, ओ एबिलिटी भी दे दी, लाभा लाभा अनपरेशान सीसी की लाभा अनपरेशान, वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर वहाँ पर, ओहो हो मरने वाली थी वहाँ पर, वो स्कैटर शॉट, ओहो बहुत ही बढ़िया रेज का इस्तेमाल, ओहो हो यहाँ पर एक पॉइजन स्पेल का, पॉइजन नहीं भाई साहब फ्रीज स्पेल का इस्तेमाल देखने को मिली है हमें, ओहो हो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई साहब अभी तक, ओहो हो ये बेस तो खत्म है भाई साहब, इसके पास अभी भी एक आइस गोल एंड बहुत सारे बैट स्पेल बची हुई, फ्रीज स्पेल भी बची हुई, ओहो हो बहुत ही बढ़िया अटैकर भाई साहब, आरसी मरने वाली है, सिर्फ क्वीन बची हुई है एंड आरसी मन नहीं मरा, ओ फाइनली मर गए आरसी, फिर भी क्या क्या ही होगा भाई साहब, डिफेंस सारी की सारी खत्म हो चुकी है एंड भाई साहब एक फ्रीज एंड एक पॉइजन स्पेल का भी यहाँ पर स्वैग देखने को मिली है इस वाले आर्मी कॉम्बिनेशन के ऊपर टर्न 13 के ऊपर भाई साहब, बहुत ही बढ़िया अटैक एंड भाई साहब ये बहुत ही ओपी अटैक था भाई साहब, बहुत ही ओपी एंड बहुत ही ओपी अटैक के लिए भाई साहब एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है भाई साहब। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट अटैक है, ये हमारा नहीं था, हमारी दोस्त का था, कोई बात नहीं। तो गाइस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, सब्सक्राइब बटन दबा के जाना गाइस, सी यू गाइस, सी यू।